गैस देखिए, अब तक आपको शायद पता लग गया होगा कि आईफोन 15 प्रो मैक्स में काफी सारे यूजर्स को ओवर हीटिंग के इश्यूज आ रहे हैं। अब यहां पर गैस देखिए, मैं आपको एक चीज सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि ये जो ओवर हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सारे ही डिवाइसेस में हो, ये कुछ सिलेक्टेड डिवाइसेस में हो सकते हैं। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने काफी देर तक इसमें गेमिंग भी किया था। अगर इसमें प्रॉब्लम ही होती, मतलब पहले से ही इसमें प्रॉब्लम होती ओवर हीटिंग इश्यूज होने की, तो फोन कुछ ना कुछ तो हीट होता था। लेकिन मुझे ऑब्वियसली इतना कुछ फेस नहीं हुआ है। काफी सारे फोन्स जब सेल हुए तो सबने एक्चुअली में उसको फेस नहीं किया है। देखो अब यहाँ पर ये मत समझना कि मैं प्रोडक्ट की जो ना कुछ अननेसेसरी तारीफ कर रहा हूँ। देखो मैं सिर्फ आपको टेक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो गाइस, यहाँ पर जो हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं ना, मेरे हिसाब से जितना मैंने कलेक्ट किया हूँ, तीन मेजर रीजन हो सकते हैं इसके हीटिंग इश्यूज को। सबसे पहला इसका टाइटेनियम फ्रेम है, दूसरा A17 प्रो चिपसेट है, और तीसरा इसमें जो मेजर इश्यू हो सकता है वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, जी हाँ, iOS 17। अब ये तीनों के ऊपर मैं वन बाय वन आपसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि एप्पल इस बारे में क्या कहता है। देखो कुछ नई बात नहीं है, एप्पल के पास जब ये कंप्लेंट रेज हुई तो एप्पल ने बस वही ट्रबल शूटिंग स्टेप्स निकाल के रख दिए सामने कि जब आप फोन को ट्रांसफर कर रहे होंगे, मतलब फोन के डेटा को, तो वो टाइम में प्रॉब्लम होगा, कार चार्जिंग अप कर रहे होंगे तो वो टाइम में प्रॉब्लम होगा। मतलब एप्पल ने यहाँ पर कुछ ऐसा अपने ऊपर लिया नहीं है कि हाँ भाई हमारी तरफ से कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यूजर्स को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। अब देखते हैं आगे इसका एप्पल क्या रिप्लाई करता है। आगे भी गाइस उसमें आपसे बात करूंगा, प्रॉपरली सब चीज एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रख लो, और बहुत ज्यादा शेयर करना गाइस। देखो बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप शेयर करते हो तो, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आईफोन 15 प्रो मैक्स एक्स प्रॉपर रिव्यू में आपके लिए लेके आऊँ बिल्कुल अपने स्टाइल में, तो प्लीज उसके लिए आप मुझे मोटिवेट करो ज्यादा। मैंने जो डेटा कलेक्ट किया उसके हिसाब से मैं सबसे पहले बात तो A17 प्रो के बारे में बात करता हूँ। देखो A17 प्रो जो चिपसेट है ना, वो काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। मतलब यहाँ पर मैं आपको एक अगर एग्जाम्पल दूंगा तो ये कंसोल के लेवल की चिपसेट है, क्योंकि इसमें जब कंपनी ने क्लेम किया था कि रेसिडेंट ईविल और असासिन्स क्रीड मिराज जैसे गेम आने वाले हैं, तो आप इसकी पावर का अंदाजा लगा लो। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में जो स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट यूज हुई है, उसकी जो क्लॉक स्पीड पावर है जो कि सैमसंग के लिए ओवरक्लॉक्ड कर दी गई है, वो 3.36 गीगाहर्ट्ज की है। लेकिन A17 प्रो की जो क्लॉक स्पीड पावर है वो 3.78 गीगाहर्ट्ज की है। तो यहां पर अगर आप देखोगे क्लॉक स्पीड पावर में तो काफी बड़ा डिफरेंस है। तो गाइस यहां पर जो पावर है ना A17 प्रो का, वो काफी ज्यादा है, पावर काफी ज्यादा है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब इतनी ज्यादा पावरफुल चिपसेट फोन में है तो हीट डिसिपेशन किस तरीके से हैंडल की जाए फोन में। अब यहां पर देखिए, कंपनी ने फोन को कॉम्पैक्ट रखने के लिए या और ज्यादा स्लिम रखने के लिए थर्मल्स पे इतना कुछ काम नहीं किया। मतलब जितना ऑब्वियसली थर्मल्स आईफोन 14 सीरीज का अच्छा है, जैसे कि 14 प्रो और प्रो मैक्स का, उतना ऑब्वियसली 15 प्रो मैक्स में काम नहीं हुआ, तो इसकी वजह से थर्मल्स के हिसाब से थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट इसमें पड़ा है। और सबसे बड़ा मेजर रीजन जो मुझे ये लगता है वो इसके टाइटेनियम फ्रेम्स है। खाली फ्रेम्स की बात नहीं हो रही है, देखो आपको ज्यादातर यूजर्स ने बोला कि खाली फ्रेम्स है, नहीं, जो फोन का एनक्लोजर है उसमें भी चलो दोस्तों टाइटेनियम के कुछ ना कुछ पार्टिकल्स है। अब यहां पर देखिए, टाइटेनियम तो होता काफी स्ट्रांग है, लाइट भी होता है, बट टाइटेनियम का एक ड्रॉबैक भी है कि ये हीट को सही तरीके से डिसिपेट नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर हीट अंदर जो है ना दोस्तों वो इकट्ठा होती रहती है। और ऑब्वियसली गाइस जो तीसरा मेन रीजन मेरे हिसाब से लगता है वो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि देखो मैं iOS 17 को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब कंपनी नया सॉफ्टवेयर रिलीज करती है जो कि स्टेबल वर्जन होता है, उसमें कुछ ना कुछ बग्स तो होते ही है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स में जब iOS 16 आया था तो उसमें बैटरी ड्रेनेज का इश्यू हो गया था, लेकिन बाद में कंपनी ने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया और उसके बाद में ये चीज जो है ना वो प्रॉपर हो गई। तो इसी हिसाब से गाइस मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट पुश करेगी जहां पर हीटिंग इश्यूज जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। अब यहाँ पर गाइस देखिए, एक बहुत ही फेमस टेक एनालिस्ट है मिंगच्यू को, जो एप्पल के लिए भी काफी अच्छे तरीके से माने जाते हैं, मतलब उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। अब उनकी तरफ से दोस्तों एक ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई है कि कंपनी आगे चल के एक सॉफ्टवेयर अपडेट देगी या कंपनी को सॉफ्टवेयर अपडेट देना चाहिए जहां पर कंपनी A17 प्रो चिपसेट की जो पावर है उसको कम कर देगी। तो यहां पर ऑब्वियसली जब A17 प्रो चिपसेट की पावर कम होगी तो हीट जो है ना वो काफी अच्छे तरीके से मैनेज होगी। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी, जो कंपनी ने एडवर्टाइज किया था कि जो
चिपसेट है वो इतना पावरफुल है, वो फिर ऑब्वियसली पावर में थोड़ा कम हो जाए। लेकिन गाइस देखो, अगर आप नया आईफोन 15 प्रो मैक्स लेने के बारे में सोच रहे हो तो आप ये मत समझना कि इस पे इतने ज्यादा हीटिंग इश्यूज आते हैं तो मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो मुझे भी चाहिए फोन और मैं चाहता हूँ कि आपके लिए प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, क्योंकि अब ये तो खाली मैंने टेक के बेसिस के और एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, लेकिन मैं इसको प्रॉपरली टेस्ट करना चाहता हूँ लाइव, ताकि मैं आपको बता सकूं कि भाई सही में प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सी यूजर्स ऐसे भी है जिन्होंने बोला है कि माय फोन इज वर्किंग कंप्लीटली फाइन। तो इस हिसाब से गाइस देखो प्रॉब्लम हो रही है, हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं और इसको कंपनी को सही भी करना चाहिए। और मेरे हिसाब से गाइस अगर ये कुछ सिलेक्टिव फोन्स में ही हो रहे हैं तो कंपनी को इसको बाकायदा रिप्लेसमेंट भी देना चाहिए। और इसके अलावा गाइस अगर आपने मेरे वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, मतलब इस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा, सारे वीडियोस को चेक करना। 15 प्रो मैक्स 15 प्रो सबका जो है दोस्तों मैंने हैंड ऑन दे चुका हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इंशाल्लाह जल्दी जो है वो मैं 15 प्रो मैक्स जब आएगा तो उसका प्रॉपर रिव्यू लेके आने वाला हूँ, जिसमें से कैमरा सेटअप रहेगा, कंपैरिजन रहेगा। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।